Hi everyone, this is Modal Anand. तो ठीक 6 साल बाद आज फिर से इस चैनल पे मैं आ चुका हूँ. मैंने इस चैनल पे व्लॉग बनाना बंद कर दिया था क्योंकि मैं बहुत बिजी हो गया था बाहर मेरे इवेंट्स में और थोड़ा बहुत बिजनेस भी शुरू किया था, उस वजह से चैनल होल्ड पे रह गई थी. और उसके बाद मैंने सोचा था कि इस चैनल को यहीं ख़त्म करेंगे या तो किसी खास दोस्त को देंगे, मगर जो मेरे खास दोस्त हैं कैमरामैन, जो भी टीम थी मेरी जो 2017 से कनेक्टेड थी, उन्होंने नहीं माना. उन्होंने बोला कि इस चैनल को हम फिर से स्टार्ट करेंगे, फिर से व्लॉग बनाएंगे. और अब सीधे ही डायरेक्ट पॉइंट की बात करता हूँ. टू गुरेज 4 दिन का टूर है. खाली गुरेज नहीं जाएंगे, गुरेज से द लास्ट सिटी हम जा रहे हैं काबुल गली हमारा पहला स्टे होगा. उसके बाद जितने भी विलेज आएंगे उनको हम अच्छे से देखेंगे. अब बहुत टाइम के बाद व्लॉग आ रहा है तो कुछ गलतियां होंगी, उनको साइड कर देना. और मुझे पूरा यकीन है कि आप इस चैनल को फिर से उसी तरीके से प्यार देंगे जिस तरीके से 2017 में दिया था, जब मैंने पहला गाना लॉन्च किया था अपना. और अभी जस्ट बांडीपुरा क्रॉस करके डायरेक्टली हम पहुंचे हैं ट्रकबल में है. इसके बाद है राजदान पास और उसके बाद देखेंगे क्या क्या आगे जो जगह होंगी वो हम आपको दिखाएंगे. हमारी टीम जो आ चुकी है हमारे साथ, डॉक्टर शकील है हमारे साथ, दूसरे भाई हैं हमारे साथ इमरान खान, और कैमरामैन भी अपने ही हैं जो 2017 में भी थे और आज भी हैं. तो ये सफ़र यहाँ से ही हम शुरू करते हैं और मिलते हैं आपको डायरेक्ट काबुल गली में. अपर गैस लीक होते हुए बाल बाल बच गए हम आज. पिन थोड़ा अच्छी गोमत सामान बोर ना इसे टी सामान की बोर अम सोत प्रेस अत गई पिन लूज सो पिनस कर गैस पिनस सो लीक कर वो कौर अत शॉफ तुल थोद लीक गई बंद. Oh,
गया यार, मतलब मुझे लगता है सातवां पुल है अभी तक। अरे ये तो आठवां आठवां लग रहा, सातवां तो पीछे हो गया, लेकिन सेम डिजाइन है पुल के, आधे पुराने क्रॉस किए यार। सात आठ तो दर्शन तो किए मेरे ख्याल से। अगर रोड की नजर नहीं आ रहा है, वो मैगडम वाला रोड भी होता था कभी जमाने में, देखा था आपने कभी? नजर ही नहीं आ रहा है नजर। ओ बहुत बड़ी दुकान है यार, ओ इतनी बड़ी दुकान, इतना बड़ा मॉल यहाँ पर पहली बार हमने इतना बड़ा है कि जिसपे बोर्ड लगा हो ऐसा। ये दूसरा बोर्ड है, बहुत जबरदस्त बोर्ड है ये भी। यही यहाँ तो यहाँ थोड़ी डेवलपमेंट हुई है मेरे ख्याल से, ये वाली रहो, ये तो नई हट बनी है इसमें। अरे यार देख, नहीं नहीं आप ये वाली हट बहुत खूबसूरत लग रही है, ये नई बनी है, न्यू कंस्ट्रक्शन, ये इसे हम कह सकते हैं न्यू कंस्ट्रक्शन। क्योंकि पीठ में दर्द होगा, मतलब काम नहीं लूट मुझे अगर हम लद्दाख की तरफ ट्रैवल कर रहे होते, क्या हमने क्रॉस कर लिया होता? हम दो बार लद्दाख गए होते और आए भी होते, इतना दूर है, इतना दूर है। ये सबसे बड़ी बात, कल से हम कंटिन्यूअसली ड्राइव कर रहे हैं, लोग जो आते हैं ना गुरेज, मैं बोल रहा हूँ गुरेज से आगे अब जहाँ और भी है, गुरेज से आगे जहाँ और भी है, कभी गुरेज वहाँ आके दे देखो, गुरेज से आगे गुरेज तो एक सेंटर पॉइंट है। हाँ। उसके बाद असली सफर तो गुरेज के बाद है, क्योंकि गुरेज तक तो थोड़ा रोड भी थोड़ा ठीक ठाक ही है और फैसिलिटीज भी वहाँ पे है थोड़ी बहुत। एक बात बताऊँ, उसके आगे एक्चुअली उस जर्नी तो उसके आगे है। मैं एक बात बताऊं आपको, जी आपको थोड़ी बहुत अफगानिस्तानी वाइब आ रही है, जैसे अफगान का जैसे हाउसेस है, जैसे बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है, कश्मीर से बिल्कुल कटा हुआ है, बिल्कुल अलग ही फीलिंग, यहाँ के लोग उनकी कल्चर तो है ही, कल्चर भी उनका डिफरेंट है, लैंग्वेज शीन वो यहाँ पे शीन भाषा का यूज करते हैं। ये जो गेट है बस यही तो है, गेट जो है आप गौर से देखिए, मुझे लगता है शिकर साहब ये जो गेट है ना, अब यहाँ पे ये है कि इनको आने जाने की फैसिलिटी है, हमें नहीं है, जैसे कि हमें चेक करते हैं वहाँ है कि नहीं डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं कि नहीं, यहाँ के लोग जा सकते हैं आर पार, उनका कोई इशू नहीं है।
है, यहाँ से घर भी दिखाई है। हम तो बहुत ऊपर आए हैं गुरेज से। और क्या, वही तो मैं कह रहा हूँ कि जर्नी असली जर्नी तो ग्रेस के बाद है। ग्रेस तो सीधे मान लो बांडीपुरा में, बांडीपुरा का दूसरा स्टेशन ग्रेस है। लेकिन ग्रेस से आगे क्या है वो भी तो देखना चाहिए। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स आते हैं जो ग्रेस चलते हैं, ये तो टिप ऑफ द टंग हो गया सबके। लेकिन असली जर्नी तो उसके बाद है, जो शौक है ट्रैवलिंग का, जो इसके जो चाहत है कि हम ट्रैवल करें, हम नई नई एडवेंचर्स देखें, उनको आना चाहिए यहाँ पे। ये है मोड, क्लीन मोड है ये। फाइनली एक और पुल आ चुका है, बारवा पुल। जितने पुल हमने पीछे छोड़ दिए, बारवा पुल है ये। बारवा पुल मगर मैडम का कहीं नाम निशान नहीं है। अभी शकील साहब जा रहे हैं आगे, इनसे बात करने की, आगे हमें आप परमिशन दे सकते हैं थोड़ा और क्रॉस करने के लिए या नहीं। गाइज मुझे लग रहा है यहाँ से आगे हमें परमिशन नहीं मिलेगी जाने की, और 5:30 बज चुके हैं शाम के। मुझे लगता है हम रात यहीं कहीं गुजारेंगे और सीधे ही सुबह निकलेंगे वापस गुरेज की तरफ। इस वक्त हमें कैमरा और अपने सारे फ़ोन चार्ज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेटवर्क भी बहुत स्लो है, रोड भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और यहाँ से आपको सीधे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।